जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मलिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आज मैनेजमेंट स्टडीज़ के द्वारा मनाया गया है फ्रेशर पार्टी, नया जो सत्र है 23-25 उनका स्वागत किया गया है सीनियर्स के द्वारा 22-24 सत्र के द्वारा। कैसा रहा पूरा कार्यक्रम, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज फ्रेशर पार्टी के मेन थे, मेन इन्हीं के खातिर सब कुछ आयोजन किया गया था, फ्रेशर्स हैं तो एटीट्यूड तो आपको देख करके लग रहा होगा तिलक के साथ, बैच के साथ और स्टाइल के साथ सब पहुँचे हुए। जानती हूँ कब से तैयारियाँ चल रही थी और आज सबसे अच्छा कौन सा परफॉर्मेंस इन्हें अच्छा लगा। मेरे साथ अरिंदम है। अरिंदम, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा। मैं सीनियर लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में इतने अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया एवं हमें इतनी इज्जत सम्मान मान सम्मान देने के लिए और बहुत सारा प्यार मिला। और रही बात सबसे ज़्यादा प्रोग्राम तो सभी का अच्छा था, किसी बहुत कठिनाई होगी किसी की ख़राब बोलने पर, बट सबसे अच्छा तो मुझे सूरज भैया का ग्रुप डांस वगैरह जितने भी थे, मस्ती वगैरह जितने भी फ्रेशर्स के हिसाब से लगा। एवं इस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेकर बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ और इतने सबका आशीर्वाद प्यार स्नेह मुझे मिला। और सीनियर से मिलकर कैसा लगा? सीनियर से मिलकर तो मेरे दोस्त जैसे ही थे और भी सपोर्ट का उम्मीद है फ्यूचर में और भी बहुत तरीके के, उन लोग को कोई ऐसा एटीट्यूड वगैरह लगा नहीं कि कोई घमंड वगैरह कुछ नहीं, पर फ्रेंडली सब दोस्ती, एक छोटे भाई जैसे सबका प्यार मिला। तो अभी नाश्ता आपने किया नहीं है तो बता नहीं सकते नाश्ते में क्या था। पैकेट वो कर लिया। चलिए आप देख रहे हैं जो आए हैं वो तो आज जान ही है प्रोग्राम के, क्योंकि मिस्टर फ्रेशर बने हैं। सूरज से जानते हो कैसा लग रहा है मिस्टर फ्रेशर बनकर? मैम ये प्रोग्राम सच में मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। मैं सच में इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम जो है कंडक्ट होगा और सीनियर्स का इतना अच्छा जो कंट्रीब्यूशन था और इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था इन्होंने किया, बहुत मुझे अच्छा, बहुत लगा, अच्छा लगा। सच और में मिस्टर फ्रेशर बन गए, ये कैसे हुआ? अरे मैम ये तो बस आप लोग का प्यार है। लग रहा था कि बन जाऊंगा ऐसा कुछ फिलिप। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम, देखिए ऐसा मैं मान के नहीं चला था कि मैं मेरे बनना है, मेरे जैसी तरह से मेरे अंदर क्वालिटी है सबके अंदर है, ये तो बाई चांस है कि मैं बन गया बस। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर्स को साइड में घूस वगैरह दिए थे? ऐसा कुछ नहीं मैम, सीनियर्स लोग का भी बड़ा अच्छा प्यार है और वो शायद मुझे इसलिए भी लाइक किया क्योंकि मेरा वहाँ पे उनके साथ कंट्रीब्यूशन काफ़ी था, वो जब भी कुछ कह रहे थे। लेकिन ये मैंने नहीं रखता, वहाँ पे जिस प्रोग्राम पे जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन किया है वो उस बिहाफ पे मेरे को। मिस फ्रेशर जो बनी है वो उनके अंदर सच में मैम वाकई में वो मिस फ्रेशर को डिजर्व कर रही थी, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी था, डांस भी था और बहुत चीज़ों में वो एक्चुअली हम लोग को भी सिखाएंगे डांस, तो जो हम लोग डांस कर रहे थे वो भी उसमें कंट्रीब्यूट की थी और वाकई में उन्हें बनना चाहिए था मिस फ्रेशर। आप सुन रहे थे सूरज को, विशाल महतो भी है मेरे साथ, विशाल महतो है मेरे साथ, उनसे जानती हूँ कैसा लग रहा है उनका एक्सपीरियंस। विशाल कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा मैम, जो भी हमारे सीनियर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और हम लोगों के बीच एक तालमेल देखने को मिली दोस्ती के जैसा, भाई के जैसा, और बहुत कुछ उन लोगों से हम लोगों को सीखने का उम्मीद है और जितने भी टीचर्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है जी। तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, सारे गेम्स बहुत अच्छी तरह से, कार्यक्रम भी बहुत अच्छा तरह से हुआ। तो डांस सीनियर ने अच्छा किया जूनियर से? सभी का डांस अच्छा था मैम, अच्छा कोई सीनियर है तो उनका सीनियर जैसा होगा अच्छा होगा, जूनियर है तो थोड़ा सा लेकिन अच्छा उन्हीं का होगा, अच्छा होगा। कुछ और भी लोग भाग रहे हैं कैमरे से, मेरे साथ रविंद्र जी हैं, बताइए कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम था मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा बनाया हुआ था उन लोगों का। मिस्टर फ्रेशर बने क्या वो डिजर्व करते थे या ऐसे ही मिल गया? नहीं दोनों डिजर्व करते थे, दोनों ही लोग डिजर्व करते थे, दोनों का पार्टिसिपेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा सब कुछ। चलिए कुछ और भी लोग हैं, धनंजय है, जब ये पीछे पलट करके घूमे चश्मे के साथ तो फिर कार्यक्रम में क्या कुछ हो गया, धनंजय से जानते हो कैसा लगा धनंजय आज का? बहुत अच्छा लगा मैम। तो अपना वाला डांस ज्यादा अच्छा लगा? डांस तो उतना खास नहीं था बट। कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? आधे घंटे पहले। बस आधे घंटे में सब हो गया, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन मैम। सुबह आए तो सडनली ये लोग बोले कि पार्टनर का जरूरत है इसलिए उनको जाना, तो रेडी हो गया, रेडी होके उसी में आधे घंटे में जो वही। ओवरऑल प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। देखिए सचिन जो है वो भी भाग रहे हैं, उनसे भी बात करती हूँ। सचिन कैसा था पूरा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा मैम हमको और ये सीखने का मौका मिला हम लोगों को, बड़े सीनियर लोगों से। नाश्ता खा लिए? हाँ नाश्ता खा, ठीक ठाक ठीक था। ऐसा तो नहीं ना कि सीनियर से कुछ ऐसा बासी चीज दे दिया? नो नो मैम ऐसा तो है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा लगा। चलिए पूरा धूम धड़ाका हुआ। और एक और हैं सोनू, चश्मा लगा करके भाग रहे थे और पूरे महफिल में एकदम क्या कहें मैं, लोग जो है इस तरीके से पागल हो रहे थे सोनू के लिए, चश्मा जो है इनका खास था कुछ। चलिए पूछते हैं सोनू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, फ्रेशर पार्टी में पहली बार ऐसा हम लोग पार्टी एंजॉय किए जी और
ये करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। हाँ, उम्मीद है ना? उम्मीद है। चलिए आप देख रहे हैं सोनू कितने एक्साइटेड हैं, और भी लोग हैं इधर भाग रहे हैं, सर्च कराए हैं लेकिन जवाब देने से बच रहे हैं। आइए मेरे साथ कंचन है, भोजपुरी गानों पे आज तो जबरदस्त ठुमका लगाई है। कंचन कैसा लगा कंचन प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हाँ, इसके लिए मैं सीनियर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी। हाँ, सोची थी क्योंकि जीएन में फेयरवेल भी हम लोग को ऐसा ही मिला था। तो मतलब अब आदत है। नहीं मैम, बस यही है कि मुझे इसलिए मजा आता है क्योंकि ऐसे मौकों पे मुझे भोजपुरी गानों पे डांस करने का मौका मिलता है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छी वाली, अच्छी वाली, लो वाली नहीं, असली गाने पर नहीं। अच्छा, आपकी फ्रेंड जो है अनु जो है वो मिस फ्रेशर बनी, ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी बनती। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों में यूनिटी है, प्यार है। अच्छा, यूनिटी अच्छा है? लगा कि वो भी बनी, हम लोग में से कोई तो बनी। अच्छा, कोई तो बनी। आप देख रहे हैं कितने खुशमिजाजी ढंग से लोग बता रहे हैं, उधर भी जो है आप देख सकते हैं साइड में ग्रुप करके फोटो लिया जा रहा है, सेल्फियां ली जा रही हैं, और जिनका इंतजार था अब कवरेज के दौरान आ रही है। मेरे साथ अनु है जो मिस फ्रेशर आज बनी है, उनसे जानती हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताइए अनु कैसा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि ये मेरी फ्रेशर जो थी फर्स्ट टाइम, 11th 12th में तो हमारी हुई नहीं थी, मेरी हेल्थ इशू थी, तो काफी अच्छा था। सीनियर्स भी बहुत फ्रैंकली थे, बहुत मजा आया, मैंने भी डांस करके बहुत एंजॉय किया। तो कभी सोची थी ऐसा हो जाएगा कि मिस फ्रेशर बन? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि मिस फ्रेशर। हाँ सोचा था क्योंकि मैं भी तो सुंदर हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हूँ। अच्छा, ये सोची थी। हाँ। अच्छा एक बात बताया, आपने सबको डांस सिखाया जी, जितने आपके स्टूडेंट थे क्लास वाले वो कैसे थे, अच्छे से डांस? हमने बहुत अच्छा किया क्योंकि हमने जो डांस था हमारा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी अच्छी जाएगी, हमने 1 आवर्स में पूरी प्रैक्टिस करी और बहुत ही अच्छी गई। और जो मिस्टर फ्रेशर बने हैं सूरज, क्या लग रहा था वही जीतने वाले हैं? लग तो रहा था, थोड़ा थोड़ा लग रहा था। तो किन कारणों के कारण ऐसा लग रहा था कि वही जीत जाएंगे? आप देख सकते हो इतनी मतलब लाइक ठीक ही लग रहा था, ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक, मतलब आपकी आपकी तुलना में अच्छा नहीं है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। आप देख रहे हैं मस्ती मजाक का ये सिलसिला जारी है। वैसे फ्रेशर पार्टी छात्र जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और आज विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभाग के द्वारा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कार्यक्रम किया गया। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, थोड़ी देर में जुड़ते हैं, अन्य छात्र छात्राओं से भी जानते हैं कैसा रहा आज का कार्यक्रम।